नमस्कार दोस्तों, डी नारायण टेम्पो चियास गांव रंडाणा में भाई। रंडाणा गांव में बहुत पुराना डेरा है और जिसकी दीवारों को डांटने के लिए मोटी ईंटों की दीवार निकाली गई नीचे से। और ये देखिए पुराना गांव रंडाणा का ये डेरा। ये देखिए भाई, जो रंडाणा गांव है बहुत पुराना गांव है। इस गांव के अंदर एक लगभग 1000 साल पुराना डेरा है भाई। गाँव में महंत हुआ करते थे सारंगी महाराज, जिनको बोला जाता है। ये देखिए डेरा ना अपनी जर्जर हालात में पहुंच चुका है। और ये कितनी जो लाहौरी ईंट हुआ करती थी, उन ईंटों से ये डेरे को बनाया गया। ये देखिए डेरा अपनी खस्ता हालात में पहुंच रहा है। और डेरे की जो देखिए जो दीवारें हैं बिल्कुल भुर गई हैं। और ये देखिए डिजाइन गेट का कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है। आज भी इस डेरे के अंदर महंत मौजूद हैं और यहाँ पर बाबा भलेकर इस समय मौजूद हैं। और जी देखिए जो महाराज जी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे डेरे का समय कितने साल पुराना समय है। देखिए जो डेरे के अंदर थोड़ी थोड़ी नीली नीली पेंटिंग अब भी नजर आती है। ये देखिए जो डेरा है बहुत पुराना डेरा है, लगभग 1000 साल पुराना डेरा है। और डेरे के अंदर से भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए कुछ गांव के बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान साथी भी बैठे हैं। और ये जो डेरा बहुत पुराना, देखिए डेरे के अंदर से ये बिल्कुल भाई, हाँ डेरे बिल्कुल पुराना, कितने बड़े दरवाजे हैं देखिए। और ये डेरा ना आज कुछ झील में भी आ गया भाई, पहले से गाँव जब नीचा हुआ करता है, ये देखिए झील में आ गया भाई। और ये डेरे के अंदर हवन कुंड है यहाँ पर, ये बहुत पुराना। ये देखिए बाबा का हवन कुंड अच्छा देखो पुराना, वो पुराना हो गया, वहां का हिस्सा कुछ गिर गया उस साइड का। और ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, यहाँ बहुत पुराना डेरा। और डेरे के अंदर देखिए पुरानी ईंटें भुरती हुई। और देखिए कितना पुराना डेरा है। यहाँ पर सामने जो महाराज हुआ करते थे उनकी तस्वीर है, मौजूद है। और ये देखिए डेरा, और डेरे के ऊपर जो नक्काशी की गई है आज भी मौजूद है 1000 सालों के बाद। जो 1000 साल पुराना रंडाणा गांव का ये जो डेरा है, बोलते कि रंडाणा वैसे नाम नहीं पड़ा, रंडाणा का नाम का मतलब है रण में डाणा, जो मतलब युद्ध मराते थे उन वीरों का गांव है ये रंडाणा। बहुत पुराना गांव है। ये देखिए भाई, रण में डाणों वालों का गांव है ये। ये देखिए कितना पुराना डेरा। और कुछ डेरे का ऐसा भी है जहाँ आज भी छत नहीं आती, उसका भी राज है और उसमें जानेंगे हम। ये देखिए भाई, यहाँ पर जो पहले महंत हुआ करते थे वो उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। ये देखिए बाबा जी लक्ष्मण गिरी महाराज है बाबा, और उधर बाबा भलेगिर भी हैं। ये देखिए भाई विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं आपको, ये बहुत अच्छी तरह गाँव रंडाणा से। ये देखिए बाबा भलेगिर जी की भी फोटो यहाँ पर मौजूद है, ये गौ माता की फोटो है। ये देखिए भाई पुराना डेरा, ये देखिए भाई। और डेरे के अंदर भी कुछ और प्रथाएं प्रचलित हैं डेरे के बारे में, वो भी जानेंगे। यहाँ पर महंत मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। डेरे को ऊपर से भी देखेंगे महंत के जी के साथ जाकर, भाई डेरा कितना पुराना है, कहाँ कहाँ किस किस महाराज की समाधि है, जो भी है अब वो महाराज जी से जानेंगे हम। और आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम आजा भाई, राजी है, राजी हाँ भाई। तो अपने काम में डेरा बताइए, यो घना है पुराना, घना पुराना, ईंट पुरण लाग रही है हाँ सारी हाँ। तो कितने साल पुराना डेरा है यो भाई? को 12-13 साल पुराना। 12-13 साल पुराना हाँ। 12-13 साल के 12-13 साल है, 1000 साल पुराना है। मतलब कौन से महाराज ने डेरा बनाया था? ये सरभंगी ने, सरभंगी महाराज ने बनवाया था। हाँ। बाबगिरी नाम था जी उनका। अच्छा अच्छा, उनने बनवाया था डेरा। हाँ। और आज भी डेरा में कौन गद्दी सी ने फिलहाल? भलेकर है, भलेकर महाराज। हाँ। है जो डेरा पे। हाँ। इस डेरे की विशेषता है, खास बात क्या है डेरे की? खास बात तो यार हाड़ा मरा बुरे बोले हुए आवन ठीक हो गए लकड़े हैं। अच्छा, बोले आवर मतलब भी तरह हम बोले। हाँ। और शैणियों के बाहर लकड़ी, शैणियों के बाहर लकड़ी है। जब डेरे कितनी खास बात बताई? अरे ना भाई, मैं बता दिखा सकूँ मेरी सोच। कथूरा के आए। अच्छा, कथूरा के आए थे? अरे वो कार थाम दी। अच्छा, वो छोड़ी पड्डी ले आए गिर गए। अच्छा, आड़ा आ गए। अच्छा, महाराज जय चरणा में। हाँ, वो छोड़ी बोली भाई की तारी। हाँ। अच्छा, बोले भाई रंडाणा आ रही है। बोले चलो भी अपने घर चल आए। बोले जब ताई वहाँ पर बेच के फिर डगड़ डगड़ पाए जाकर अपने कार में बेच ली। ये तो नस्तो मैंने देखे बोले भाई। अच्छा बाबा, चमत्कार है। हाँ, अरे और बता दें थे थे यो कही है अब बीती क्यों कहो, आप बीती कहो है।
फिर एक उसने ख्याल कौन कर फिर दूसरा तो भाई लोट गाल रहा था गोद में आधे आधे चले पाए महाराज जी बताऊंगे सही बात इसकी साथी देखे जब इसके नोट जले थे महाराज जी राम 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 भाई जो इसके नोट जले थे वो क्या तो जले थे वो बाबा का चानस जले थे बाबा चानस नाच का दौर बीड़ी थी ना माचिस थी अच्छा कुछ नहीं था कुछ नहीं था मतलब ये बाबा की वो आबर कनेक्ट गया वो को लाइक नु बोला कि काम चलेगा बाबा दादी के करेंगे अच्छा इन ना जाने फिर उन तो चानस दे दिया ले बेटा नु करके दिखा देंगे हम अच्छा वो दिखा फिर इस दिखा चैन फिर बाद में लाई फिर यू मान गया अक्षर सबके में आ रही अच्छा सबके में मान गया मान गया ये देखिए भाई महाराज जी अपने पास एक छोटी बछिया भी रखते हैं और बैठे भैया ये गाय है काली गऊ की जमी हुई बछिया है साहिवाल बछिया है देखिए साहिवाल बछिया है महाराज जी जो अपना डेरा है इस डेरे की कोई खास बात बताओ हमारे दर्शका ने आप जो बहुत प्रचलित है इस डेरे के बारे में भाई खास बात तो यह है बाबा का औका है दोनों टेमा बरियादा है अच्छा जी किसी टाइम मतलब आए थे अणजान ने किसी ने भरे हुई की गूंट मार ली थी अच्छा जी उसके बाद बहुत कम बादन लग गया था गाने जो करमाला हो ने अच्छा उसको इसकी गुड़गुड़ाट की आवाज सुने है ना तो सुनती नहीं नहीं बाकी नहीं सुनती अच्छा। बाकी हाँ जरूर सरभंगी बाबा सरभंगी बाबा आज भी मौजूद आज भी मौजूद है रक्षा करे है अच्छा महाराज जी की एक बार आप हमारे को जो समाधि है जो भी कुछ महाराज जी का जो तख्त है जहाँ बैठते विराजमान होते हैं जहाँ आप लगाते हैं उनका वो कहाँ एक बार दिखाओगे आप जरूर दिखाओ देखिए भाई महाराज हमें पूरा जायजा कराएंगे मुआयना कराएंगे जो यहाँ डेरा मौजूद है डेरे के अंदर भाई क्यों डेरे की ये प्रथा प्रचलित है आज भी यहाँ मेहनत मौजूद है तो महाराज जी इनसे जानेंगे सारी यहाँ की जो क्या क्या विशेषता है वो पूरे डेरे की और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ हमारा चैनल आपको ऐसे ही जो प्राकृतिक धरोहर हैं प्राचीन किले हैं इमारतें हैं और पुराने डेरे हैं उनको ऐसे ही दिखाता रहेगा अब हम महाराज जी के साथ चलते हैं ऊपर लेकिन महाराज जी ने बता दिया अगली वीडियो में दिखाएंगे आप